सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल जहां हमेशा अव्यवस्थाओं का आलम देखा गया है, इस अस्पताल की स्थिति सुधारने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने विपक्ष में होते हुए भी कई आंदोलन किए। यहां की कई बार भूख हड़ताल कर स्वास्थ्य मंत्री को जगाने का प्रयास किया, लेकिन विडंबना है कि अभी तक इस अस्पताल में कोई भी सुधार नहीं हो पाया है, बल्कि जो सुविधाएं पहले मिल रही थी उन सुविधाओं में भी लगातार कमी होती जा रही है। कई तरह के टेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। मेयर पूर्ण ग्रोवर ने बताया कि सोलन के नागरिकों ने उन्हें ये सूचना दी थी कि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सीटी स्कैन और एक्सरे की सुविधा नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि लोग सस्ते इलाज के लिए अस्पताल में आते हैं, लेकिन सीटी स्कैन और एक्सरे की मशीनें खराब होने की वजह से टेस्ट मजबूरन बाहर करवाने पड़ रहे हैं, जिसका चलते लोगों को भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि MS SL वर्मा ने जानकारी दी है कि यहाँ 20 बेड कोरोना पॉजिटिव रोगी के लिए लगाए गए हैं, वहीं 6 बेड पर वेंटिलेटर की आवश्यकता है, लेकिन इन बेड्स पर ऑक्सीजन की कमी के चलते रोगियों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है। इसलिए वह स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द अस्पताल की कमियों को पूरा किया जाए। मैं और डिप्टी मेयर हमने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। यहाँ कुछ कमियाँ पाई गई हैं जो कि आम जनता के लिए बहुत दुखदायक हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक्सरे मशीन का देखा है, वो काफ़ी समय से जो हमारी जो एक्सरे मशीन है वो बंद पड़ी है। जो छोटी पोर्टेबल है उसी से वो जो है लोगों को जो सुविधा दे रहे हैं। दूसरा ये सीटी स्कैन की मशीन वो भी ख़राब पड़ी है, काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ी है वो। तो लोगों को जो बड़ी असुविधा आ रही है, जो लोगों को टेस्ट के लिए लिखा जाता है वो बाहर कहा जाता है कि आप बाहर से सीटी स्कैन करवा के आओ, एक्सरे करवा के आओ। जो हमारा ये सरकारी हॉस्पिटल है, जैसे कि सरकार द्वारा जो सुविधा दी गई है हिम केयर का और आयुष्मान का है, तो उसमें लोगों को जो बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ जो टेस्ट बाहर लिखते हैं तो उसमें लोगों से चार्जेस लिए जाते हैं। तो हमने अभी SL वर्मा जी से बात की है, उनको हमने कहा है कि आप जो सरकार द्वारा अधिकृत किए गए हैं आयुष्मान और हिम केयर के कार्ड के द्वारा जो भी लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल अधिकृत किए गए हैं, उनका आप जो है एक साइन बोर्ड लगाया, वहाँ बोर्ड लगाया जाए, लोगों को सूचित किया जाए कि पता होना चाहिए कि ये है। वो लोगों की सुविधा के लिए है कि लोग वहाँ स्वतंत्र हों कि वो कहीं भी टेस्ट करवा सकें। इसके ये ना हो कि आप एक ही लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए लोगों को बोला जाए कि आप वहाँ टेस्ट करवाओ। तो इसमें जो लोग काफ़ी परेशान हैं, हमारे पास लोग काफ़ी आए भी हैं, उनको दिक्कत आती है कि हम टेस्ट करवाने जाते हैं तो हमें दिक्कत आती है, हमारे से पूरे चार्जेस लिए जाते हैं। तो इसलिए हमने उनसे बात की है MS से कि आप हॉस्पिटल के अतिरिक्त जो है बोर्ड लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन से सरकार ने अतिरिक्त किए गए हैं और लोगों को पूरी सुविधा मिल सके। दूसरा, यहाँ कोविड पेशेंट के पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके लिए 20 बेड लगाए गए हैं, और एक जो ICU का है, वेंटिलेटर का है, वो 6 बेड यहाँ पर हैं, पर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट अभी रहती है। वो MS से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जल्दी एक हफ्ते के भीतर जो है वो हमारे को वो उपलब्ध हो जाएंगे। जब तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगता है तब तक जो है इनको जो डेली ऑपरेट करने के लिए वेंटिलेटर बेड को, तो कम से कम भी 150 सिलेंडर चाहिए। तो इसलिए मेरी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से रिक्वेस्ट है कि वो सोलन हॉस्पिटल का विजिट करें और जो यहाँ कमियाँ पाई गई हैं उनको अतिशीघ्र दूर करें कि लोगों को पूरी सुविधा मिल सके, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो अतिशीघ्र उपलब्ध करवाए जाएं। कम से कम भी 150 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है तो इनको जो मिलने चाहिए, ताकि जो 24 आवर्स में जो वेंटिलेटर बेड है वो ऑपरेट किए जा सके।